नदी का घट रहा है जलस्तर। महंदा घाट पर पुल से 5 मीटर जलस्तर घटा। पानी के तेज बहाव से पुल में आई दरारें। आपको बता दें कि भिंड से लहार गोपालपुरा को जोड़ता है सिंध पुल। वहीं दूसरी ओर भिंड की सिंध नदी पर बना दूसरा पुल बहा। जगमौली गांव का 455 मीटर लंबा पुल बहा। आपको बता दें कि 2017 में 2410 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। सिंध नदी का जलस्तर घट रहा है। खबर आपको दिखा रहे हैं भिंड से, जहां सिंध नदी का जलस्तर अब घट रहा है। महंदा घाट पर पुल से 5 मीटर जलस्तर घट गया है। पानी के तेज बहाव से पुल में दरारें भी आई है। आपको बता दें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी की वजह से पुल में दरारें भी आने लगी थी। हालांकि अब जो जलस्तर है वो घट गया है। खबर बालोद से है, जहां प्रशासन ने चिटफंड कंपनी पर निवेशकों की रकम वापसी के लिए आवेदन मंगाए हैं। वहीं गुरूर ब्लॉक के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में आई लोगों की बाढ़। एक साथ सैकड़ों लोग रकम वापसी का आवेदन सौंपने पहुंचे। जिले के हजारों लोग चिटफंड कंपनी के झांसे में आ गए थे। प्रशासन ने जिले के 4 ब्लॉक में निवेशकों को लेकर आवेदन मंगाया था। कलेक्टर ने 4 ब्लॉक के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 2 से 10 अगस्त तक रकम वापसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। खबर मस्तूरी से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के व जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के निर्देश पर मस्तूरी ने केंद्र के भाजपा सरकार के किसान विरोधी नीति और छत्तीसगढ़ राज्य को पर्याप्त खाद बीज की आपूर्ति की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सभी उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार आधा की खाद दिया है, जो किसानों के साथ गलत हो रहा है, जिसका पूरा छत्तीसगढ़ किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक दिलीप लहरिया ने वर्तमान विधायक कृषि मूर्ति बांधी का जमकर आलोचना। गिट्टी पत्थर खदान खोलकर पूरे क्षेत्र में फैला रहे हैं। प्रदूषण इनके सामने कोई नहीं बोल रहा पा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण, जिसका विरोध स्वयं दिलीप लहरिया करेंगे, विरोध आम लोगों के साथ मिलकर और कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम लिखित में एक मस्तूरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। केवल और केवल बात करते थे तो 35 किलो चावल 7 किलो चावल हो गया। तो ये गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ के जो किसान परेशान हैं, समय पे उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। जो केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 11,75,000 मीट्रिक टन खाद हम छत्तीसगढ़ सरकार को देंगे, लेकिन ये मात्र 13 जुलाई तक केवल 6 लाख मीट्रिक टन ही खाद दिए हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को सरकारी द्वारा आदिवासियों पर नरसंहार के विरुद्ध मनाने का आह्वान किया है। समाधान योजना के ऑपरेशन प्रहार हराने को जिक्र किया। साथ ही साथ बोत्तालंगा में ड्रोन हमले का विरोध किया। वहीं सिल्वा जुडूम में से नुकसान का उल्लेख किया गया। साथ ही साथ परियोजनाओं से मूल निवासी के क्षेत्र को कम करने का आरोप लगाया है। यूएनओ द्वारा मूल निवासियों के जारी अधिकार को अमल लाने के दबाव डालने का जिक्र किया गया है। साहिबगंज के